2021A के पार्शियल रिकॉग्निशन को छोड़ दिया जाए तो भारतीय संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है, और ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से बिल ऑफ राइट से लिए गए हैं। इन 6 मौलिक अधिकारों में जो सबसे पहले आता है वो है समानता का अधिकार। तो मैं दीपक कुमार शर्मा, आज हम समानता का अधिकार करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 से लेकर के और आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी दिया गया है। इसमें अगर सबसे पहले आर्टिकल 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 इक्वालिटी ऑफ लॉ की बात करता है। इस इक्वालिटी ऑफ लॉ की दो एंसिलरीज हैं जिनको आपको समझ लेना चाहिए। एक तो है इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब जब हम बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ तो ये प्रिंसिपल लिया गया है ब्रिटेन से। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो ये कानून की सुप्रीमेसी की बात करता है, जिसके अनुसार ये कहता है कि एवरीबडी हैज इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि देश में जो लागू होने वाला जो कानून है, जो रूल ऑफ लॉ है, वो हर एक व्यक्ति को इक्वल इक्वल मानेगा। दूसरा जो है वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कानून के समक्ष समानता। अब ये प्रिंसिपल लिया गया है यूएसए से। तो जहां एक तरफ इक्वालिटी बिफोर लॉ एक जनरल आइडिया ऑफ लॉ की बात करता है, वहीं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक स्पेसिफिक आइडिया ऑफ लॉ की बात करता है। स्पेसिफिक इक्वालिटी का अर्थ हुआ कि दो लोग दो अलग अलग स्टेटस में हैं, उन लोगों के लिए बिल्कुल एक सा व्यवहार नहीं किया जा सकता, इसलिए उनको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देना होगा ऑन देयर लेवल देयर नीड। और जनरल प्रोटेक्शन की बात होती है तो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, चाहे कोई किसी भी जॉनर में हो, किसी भी जॉनर में हो, वो सभी कानून के समक्ष समान है। और आप इसको भारतीय संविधान के मूल में देख सकते हैं आर्टिकल 14 में, इसी को आप प्रस्तावना में भी देख सकते हैं, जो कि प्रस्तावना में इक्वल स्टेटस बिफोर लॉ की बात की जाती है। इसके बाद आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 इक्वालिटी की बात करता है, और वो किस चीज की बात करता है, तो याद रखेंगे आप सोशल इक्वालिटी की, यानी सामाजिक समानता की। तो ये हो गई कानूनी समानता, और इसके बाद हो गई सामाजिक समानता। 5 प्रकार के भेदभाव, ध्यान रखिएगा 5 डिस्क्रिमिनेशंस की बात की गई है। रिलीजन, रेस, कास्ट, आप इसके अलावा कलर और बर्थ, तो बर्थ प्लेस के आधार पे, इन सभी 5 के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी के धर्म के आधार पे, उसकी जाति के आधार पे, उसकी नस्ल के आधार पर, उसके जन्म के आधार पे या उसके रंग के आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सोशल इक्वालिटी का मतलब हुआ किसी भी व्यक्ति को उसकी रंग, उसकी जाति, उसकी उसके धर्म, उसके जन्म स्थान या उसके रंग के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसको यहाँ पे शामिल किया गया है। इसके बाद आते हैं हम लोग आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16 की अगर बात करें तो ये इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करता है, यानी कि आर्थिक, इसको अगर हम कानूनी टर्म में देखें तो ये बात करता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज की। भारत में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी अपना विकास करने के लिए नियोजन में, यानी कि नौकरियों में या फिर जो अपॉर्चुनिटीज अन्य मिल रही हैं। अब यहां पे ध्यान रखेंगे, अगर हम यहां पे आर्टिकल 15
और 16 दोनों की बात करें तो 15.3 और 16.4 ये दोनों बात करते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भाई मैकेंजी की एक लाइन है कि तर्कहीन बंधनों के स्थान पर तर्कयुक्त बंधनों की स्थापना भी स्वतंत्रता हो सकती है। तो जब कोई अगर भेदभाव किया जा रहा है तो उस भेदभाव का तर्कसंगत आधार होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि भारत का इतिहास रहा है कि किसी कास्ट या किसी किसी लिंग के लोगों के साथ भेदभाव किया गया है पास्ट में। अब इसके कारण स्थिति बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। अब अगर हम दो लोगों को जिनका की कद बराबर नहीं है उनको अगर हम इक्वल बेस देंगे तो होगा क्या, ये इनइक्वालिटी तो फिर भी रहेगी। इसलिए हमें जरूरत है कि जो व्यक्ति इतिहास के भेदभाव के कारण, जो इतिहास में हुए भेदभाव हैं उनके कारण अपना आधार या अपनी वर्तमान स्थिति में समानता है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में हम उनको समानता का व्यवहार करेंगे तो फर्दर असमानता होगी। तो जरूरी है कि हम उनके साथ समानता ना करें, बल्कि इसको हो सकता है कि एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत हो, इसे हमारे ज्यादा मौकों की जरूरत हो, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज की जरूरत हो, जिसे आप रिजर्वेशन में देख सकते हैं, जिसे आप आरक्षण के रूप में देख सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, एक ऐसा भेदभाव जो वर्तमान में समानता लाने के लिए किया गया है, जो वर्तमान में समानता ला, जो असमानता को समानता की तरफ परिवर्तित करने के लिए किया गया है, इसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15.3 और 16.4 में दिया गया है। 15.3 में दिया गया है बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए अलग से सेपरेट कानून बनाए जा सकते हैं स्टेट द्वारा, और 16.4 में दिया गया है कि जो रिजर्वेशन होता है उस रिजर्वेशन में किसी पर्टिकुलर क्लास के लोगों को, पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा सकता है इन ऑर्डर टू कर्टेल आउट डिस्क्रिमिनेशन। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, आपके काम आएगा। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 की बात करें तो ये बात करता है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत का अंत। अब छुआछूत के अंत के रूप में आपको पता है कि भारत में एक हिस्ट्री रही है अनटचेबिलिटी की। अगर आप गुलामगिरी जैसी अगर पुस्तक को पढ़ेंगे या फिर आप भारतीय इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में दास प्रथा जैसा जो माहौल था वो छुआछूत और इसी तरीके से क्रिएट किया गया था। तो ये जो आर्टिकल 17 है ये इन सपोर्ट ऑफ एंड इन एक्सेस ऑफ आर्टिकल 15, क्योंकि आर्टिकल 15 में तो इस बात को कर दिया गया था, लेकिन इन सपोर्ट एंड इन एक्सेस ऑफ आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 में एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी और छुआछूत के अंत की बात की गई है कि ये गवर्नमेंट द्वारा, ये सरकार द्वारा, ये जुडिशरी द्वारा पनिशेबल होगा अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो, जिसके लिए समय समय पर लॉज परिवर्तित होते रहते हैं कि इसमें कितना पनिशमेंट और किस व्यक्ति को कितनी बार पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो आप इसको याद रखेंगे, दो लोगों के कार्यों के आधार पे था। वन वॉज गांधी वॉज वेरी मच इन सपोर्ट ऑफ दिस, गांधीनियन आइडिया के रूप में जोड़ा था, लेकिन मुख्य योगदान था B.R. अंबेडकर का इसके लिए। तो अगर आप चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीडिंग्स को सुन करके देखिएगा जिनकी की ऑडियो मौजूद है, एंड देन यू विल कम टू नो व्हाट इज द जस्टिफिकेशन फॉर इट। एंड देन इट कम्स 18th, अनुच्छेद 18 यानी उपाधियों का अंत। अब उपाधियों का अंत क्या है कि एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, ये जो टाइटल हैं भारत के अंदर एक पूरा इतिहास रहा है टाइटल्स को अपने सरनेम के रूप में यूज करने का, अपनी कास्ट के रूप में डिनोट करने का।
जिसमें आप देख सकते हैं चौधरी खुद मुकद्दम राय राणा, ये सब टाइटल्स हुआ करते थे जो उस वक्त के राजाओं द्वारा दिए गए थे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, और फिर वहां से वो ट्रांसफर हो गए अपनी आने वाली जनरेशन को। और कोई एक गांव में अगर कोई एक चौधरी है तो वो उसका पद बाकी लोगों से बेहतर हो गया, और ये उस गांव में, शहर में, उस कस्बे में डिस्क्रिमिनेशन का एक कारण हो गया। फर्दर इस तरीके की कोई भी टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे, इसको एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के रूप में इंक्लूड किया गया ताकि किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। हालांकि इसमें कुछ छूट है, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे आपकी बैचलर डिग्री या मास्टर्स डिग्री है, वो भी एक तरीके की डिग्री, डिग्री मतलब टाइटल ही होता है। मेडिकल, अगर आप मेडिकल एग्जाम्स दे रहे हैं, आप अगर मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, MBBS हो रहे हैं, तो वहां पे आपको टाइटल्स दिए जा सकते हैं। PhD एक टाइटल होता है, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी। इसी तरीके से सेना, यानी कि अगर आप सेना की बात करें तो सेना में टाइटल्स दिए जा सकते हैं। कुछ केसेस में जो नेशनल अवार्ड्स हैं या दूसरे देशों के जो अवार्ड हैं, उस अवार्ड में भी टाइटल्स दिए जाते हैं, लेकिन ऐसे अवार्ड्स के लिए अगर वो देश में दिए जा रहे हैं तो वो केवल सरकार दे सकती है, और अगर विदेशों में दिए जा रहे हैं वो, तो उसके लिए हमें राष्ट्रपति की आज्ञा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जैसे कि मुरारजी देसाई थे तो उन्हें भारत का और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक अधिकार मिला, नागरिक सम्मान मिला था, वो उस नाम को यूज कर सकते थे। जैसे बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा, पद्म भूषण या पद्म विभूषण या भारत रत्न अपने नाम के साथ में लगा देते हैं, तो ये अवार्डेड टाइटल्स हैं, लेकिन इन्हें उपाधियों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, ये केवल अवार्ड्स हैं। और अगर कोई दूसरे देश से अगर लिया जा रहा है तो उसके लिए, इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। ये कुछ अपवादों के साथ ये है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में डालें, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इसकी एक ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है, इसके अंदर डीप में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसको डील किया जाएगा, लेकिन हाँ, जनरल कॉम्पिटिशन के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।